हेलो दोस्तों, चलिए आज हम थाल पोस के डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बनाने के लिए देखिए, हम दो रंगों का उलन लिए हैं। उलन मेरा 4-ply का है जिससे हम बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए क्रोशिया हमने लिया है 2 नंबर का, 1.5 mm का है ये। तो डिजाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 चेन फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद 1, 2, 3 चेन फंदे लेंगे। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक चेन एक ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करते हैं राउंड में। तो देखिए, हमने पूरे राउंड में 20 इसमें बना लिए, यानी 20 डबल क्रोशिया बना लिए। फर्स्ट वन में लेके हम जॉइंट करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर 1, 2, 3 और एक कर लेंगे, यहाँ पर 4 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे। इसके नेक्स्ट में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, यहाँ पर 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए, एक चेन एक्स्ट्रा की हैं जैसे यहाँ पर एक चेन की हैं। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया एक चेन करना है पूरा, ये 20 है, 20 के ऊपर 20 बनाएंगे, बीच में एक एक चेन करेंगे, यानी 20 के ऊपर 20 बनाएंगे, 1-1 चेन बीच में करेंगे, एक से दूसरे जाने के बीच में कंप्लीट करते हैं। तो हमने पूरा 20 के ऊपर 20 ये बना लिया, और एक एक चेन कर लिए हैं। ऊपर से एक चेन छोड़ के तीसरे वाले पर हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे ये, और इसे बांध के हम कट करके निकाल लेंगे यहाँ पर। बांध के इसे बैक साइड लगा लेंगे। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, कहीं से भी बनाना है स्टार्ट करेंगे। ऐसे बांध के 1, 2, 3 फंदे लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक पास हम 2 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे, फिर एक चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर बनाएंगे यहाँ पर 1, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में 1 और 1, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसके नेक्स्ट में फिर बनाएंगे 1, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसके नेक्स्ट में 1, फिर और 1, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 1, 1 फिर एक चेन। देखिए, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन हमें बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए राउंड कंप्लीट किया। फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चेन, और जो एक चेन बनाए हैं इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर 1, 2, 3 चेन, फिर ये एक चेन बनाए हैं ये 2 छोड़ के इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर 1, 2, 3 फिर इसमें, फिर 1, 2, 3 फिर इसमें। तो ऐसे 3-3 चेन करेंगे, और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के एक चेन जो बनाया है उसमें ऐसे जॉइंट करना है, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमने ये बनाते हुए कंप्लीट किया, 3-3 चेन पूरे में कर लिए हैं। फर्स्ट वन में लेके हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे, और उसके बाद पहला चेन है इसमें ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन एक ये 2 हो गया, 3, 4, 5,
छः, यहाँ पर हमने सिक्स डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद ये चेन है जो, इसे ऐसे लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में फिर से हम बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच एक छः, फिर हम सिक्स बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट वाला ये चेन है, इसे लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फिर फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर सिक्स बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में ज्वाइंट करेंगे। तो एक में बनाएंगे, एक में ज्वाइंट करेंगे, ऐसे बनाते हुए कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने पूरे में बना के कम्प्लीट, एक में बनाए, एक में ज्वाइंट किए, ऐसे करते हुए पूरा कंप्लीट किए। फिर यहाँ नीचे ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और उसके बाद से ये पहला जो बनाया है इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद से ऐसे फ्लैट स्टिच से हम ये सिक्स डबल क्रोशे हमने बनाया हुआ है तो इसमें ये एक यहाँ पर, फिर उसके नेक्स्ट में ऐसे फ्लैट स्टिच से ही दो, और फिर इसके मिडिल में तीसरे वाले पे ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम चेन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन, और इसमें हम एक दो तीन, तीन छोड़ के यहाँ पर फिर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, अगर सेवन चेन कम पड़ता है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं आप लोग। एक दो तीन, तीन छोड़ के फिर यहाँ पर हम तीन तीन डबल क्रोशिया दोनों साइड छूटेगा ऐसे, देखिए मिडिल में हमें ज्वाइंट करना है। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन, और फिर इसमें, तो ऐसे ही बनाना है, कंप्लीट करते हैं। तो हमने ऐसे सेवन सेवन चेन करके बनाया, और फिर फर्स्ट टर्न में लेके हम ज्वाइंट करेंगे, और इसे हम बांध के यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। अब इसे बैक साइड हम लगा लेंगे। अब इसके बाद से फिर से हम ये कलर लेंगे, कहीं से भी बनाना है स्टार्ट करेंगे, इसमें ऐसे बांध के एक दो तीन फंदे लेके डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसमें, तो एक और एक दो हो गया, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, हम यहाँ पर टेन डबल क्रोशे बना लेंगे, फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर से टेन डबल क्रोशे बना लेंगे, फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में फिर बनाएंगे। तो जितना हम चेन बनाया है सब में हम दस दस डबल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। हमने ये बना कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट टर्न में लेके हम ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, अब एक दो छोड़ के ऐसे, उसके बाद वाले पे ऐसे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक दो, दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पर यहाँ बना लिए, उसके बाद वाले पे नहीं बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, यानी एक दो डबल क्रोशिया के बगल में बनाएंगे ऐसे, देखिए फिर दो चेन, फिर ये दो डबल क्रोशिया के बगल में बनाएंगे ऐसे, फिर दो चेन,
फिर ये एक दो ऐसे, फिर उसके बगल में बनाएंगे ऐसे, फिर दो चेन, फिर एक दो, फिर इसके बगल में बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो हमने ऐसे बनाया और फर्स्ट वन में लेके एक दो ऊपर से छोड़ के यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे और इसे हम बांध के कट करके निकाल लेंगे। अब ये कंप्लीट होने के बाद से फिर से ये कलर लेंगे हम और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये चेन है, इसमें बनाएंगे हम। तो ऐसे पहले बांध लेंगे और उसके बाद से एक दो तीन डबल एक फंदे लेके और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। देखिए एक एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिए। फिर उसके नेक्स्ट में एक दो दो डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक दो तीन, देखिए एक में तीन एक में दो, फिर इसमें हम एक दो, यहाँ पर फिर टू डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक दो, टू डबल क्रोशिया। तो ऐसे टू थ्री बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना के कंप्लीट किया। फिर फर्स्ट वन में लेके जॉइंट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन फंदे लेंगे, फिर एक एक दो छोड़ के फिर हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, फिर यहाँ बनाए उसके नेक्स्ट छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर ऐसे दो डबल क्रोशिया के बगल में बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर यहाँ बनाए फिर ये छोड़ के फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर दो चेन। तो ऐसे टू चेन और ऐसे टू टू छोड़ छोड़ के बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद से हम जो चेन बनाए हैं इसमें फिर बनाएंगे बांध के एक दो तीन, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बना लिए। इसके नेक्स्ट में भी हम ऐसे एक और एक दो, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद वाले में हम यहाँ पर एक पास एक दो तीन, यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो जगह दो दो डबल क्रोशिया बना के तीसरे जगह पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे लेंगे, फिर उसके बाद से फिर एक दो, दो डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में भी एक दो, दो डबल क्रोशिया, देखिए फिर तीसरे जगह पे हम एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, दो जगह फिर दो दो डबल क्रोशिया, तीसरे जगह पर तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, दो दो तीन ऐसे बनाएंगे हम। तो ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हमने ये बनाया। अब ये कंप्लीट करके फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फिर सेम चीज बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया ऐसे, फिर दो चेन, फिर ये दोनों छोड़ के फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर दो चेन, फिर ये दो छोड़ के फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर दो चेन। तो ऐसे बना के ये कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हमने ये बना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर से ये कलर लेंगे। अब यहाँ पर फिर हम ऐसे बांध के एक दो तीन फंदे लेके फिर एक पास एक एक दो हो गया, एक तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक
दो दो डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट में हम एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर फंदे लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट में एक दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में तीन तीन दो तीन दो इसमें भी बना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर दो दो छोड़ के ऐसा बना लेंगे हम, जैसा हमने ये बनाया है दो डबल क्रोशिया छोड़ के या दो चेन करके ऐसा बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। तो ये भी बना कंप्लीट करते हैं हम। अब ये बनने के बाद से फिर हम ऐसे ही सेम ऐसे ही फिर बनाएंगे जैसे हमने बनाया एक दो तीन, और यहाँ पर हम एक एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बना लिए। उसके नेक्स्ट में फिर एक दो दो डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में ऐसे तीन डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर दो और तीन बनाएंगे, तो तीन बना लिए फिर दो फिर तीन बना लिए फिर दो, ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया। अब यहाँ पर जॉइंट करके और इसके बाद से हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करेंगे। अब हम ये तीन और ये दो पाँच हम डबल क्रोशिया छोड़ के एक से दूसरे जाने के बीच में ऐसे जॉइंट करेंगे फाइव चेन करके, फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन, फिर एक दो तीन चार पाँच फाइव डबल क्रोशिया छोड़ के, फिर तो ऐसे फाइव चेन कर करके और फाइव डबल क्रोशिया छोड़ छोड़ के हम ऐसे राउंड कंप्लीट करते हैं। हमने ये बना के कंप्लीट किया। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, ऐसे लेके बांधेंगे एक दो तीन फंदे लेके डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, एक एक दो हो गया तीन चार पाँच छः, यहाँ पर हम सिक्स डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर एक दो तीन थ्री चेन करेंगे, फिर यहाँ पर सेम जगह पे ही फिर से एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से हम सिक्स डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए अब उसके बाद ये नेक्स्ट वाला है, इसमें ऐसे डायरेक्ट जॉइंट करेंगे फंदे लेंगे फिर इसमें बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः, फिर से हम सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन थ्री चेन, फिर से सेम चीज एक दो तीन चार पाँच, फिर से हम फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाला चेन है इसमें जॉइंट करेंगे, फिर फंदे लेंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, तो एक में बनाएंगे एक में जॉइंट करेंगे, ऐसे बनाना है। तो इसके लिए चेन बनाएगा तो इक्वल बनाएगा, यानी छः रहेगा तो तीन बनेगा, बीस रहेगा तो दस बनेगा, ये फ्लावर दस जगह बनेगा दस जगह जॉइंट होगा ऐसे। अगर चालीस है तो चालीस जगह में बीस जगह ये फ्लावर बनेगा और बीस जगह जॉइंट होगा, तो इक्वल रहना चाहिए बराबर रहना चाहिए चेन, तो ऐसे डिजाइन बनेगा लास्ट में। तो हम बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया। ये डिजाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम उलन लगा है, यानी 75 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।